ज्योतिषर एकाधिक क्लास दुईटी क्लास थिला किंतु आम दुई रु भी अधिका क्लास करिचे छंद रही जाइचे। छंद आम जानिचे जे छंद पाद तु वेदस्य जो वेदर छोटे अंग विषय कहुई छंद हूँ वेदर पाद सदृश। पाद सदृश मान मंत्र गति छंद मध्य से छंद पाद तु वेदस्य बोली कहुई। एमती भी एक कथा भी अच्छी जे कौन आम जाचे केवल रूप मंत्र मान छंदबद्ध किंतु ये धारणा भूल कहीं गद्यर भी छंद अच्छी बोली कहुई। तो न शब्द छंद रहित बोली आम एक कथा भी कहुई छंद रहित है कौन से शब्द ही ना एक आमको नाट्यशास्त्र तो भरत मुनि कही पुनश्च एक ब्राह्मण वाक्य अच्छी जो ब्राह्मण वाक्य कहुई न अछंदसी वाक् उच्चरती बिना छंदरे बाणी उच्चारित ही हुए ना। हाँ नही वाक् न वाक् अछंदसी उच्चरती बाणी बिना छंदरे उच्चरित हुए ना। से परिप्रेक्षी भरत मुनि जो वाक्य अच्छी जे छंदहीनो न शब्द अस्ति छंदहीन कौन सी शब्द ना मानने शब्द भी छंदयुक्त एक कथा भरत मुनि नाट्यशास्त्र में कही न छंद शब्द वर्जितम कौन से आउ शब्द छंद वर्जित नुहे एका कथा से एका कथा को दुई प्रकार करी कहुई। हाँ तो शब्द छंद रहित नुहे कि छंद रहित शब्द नुहे एमती करके दुई प्रकार कथाटा कहुई। छंद आम कहीं जानवा आम सर्वप्रथम एक कथा जाणीचे जेकोसी मंत्र बा सूक्तर ज्ञान पूर्व ऋषि छंद देवता विनियोग जाणी जाणी ही आम मंत्र पाठ कर। हाँ अविदित्वा ऋषि छंदो दैवतम योगमेव च ये जो अच्छी आमर सायण तर ऋग्वेदर भाष्य भूमिकार आरंभ में कही तुम्हें अग्निसूक्त जो मैंने पढ़ीचे से अग्निसूक्तर प्रारंभिक जो विस्तृत एक टिप्पणी भाष्य रही से एक लिखाही जो अध्यापय जपित पापी पापयान जायते तुष। हाँ जी बिना ऋषि छंद अविदित्वा ऋषि छंदो छंदो दैवतम योगमेव च ऋषि छंद अविदित्वा न जाने ऋषि छंद देवता आउ विनियोग को न जाने यदि किए मंत्र प्रवर्तित हुए पापियान जायते तुष बोली कथा कहुई। कहीं गोटे मंत्र द्रष्टा जे ऋषि आम निश्चित भाव जानवा आ मंत्री कौ छंद गति कर जानवा आनियोग तार प्रयोग कौटी ता भी जानवा आउ देवता किए कहाँ को से मंत्र समर्पित ता भी जानवा यहाँ हूँ आमर प्रधान कथा। तो गोटे मंत्र जानवा पूर्व छंद संपर्क आमर छंद संपर्क आमर प्रामाणिक ग्रंथ हूँ पिंगलकर छंदशास्त्र। पिंगलकर छंदशास्त्र में वैदिक और लौकिक उभय छंद कथा कहुई। पिंगलकर छंदशास्त्र में तुम मान पाकर तो निश्चित भाव दरकार आठटा अध्याय अच्छी आठ गोटी अध्याय प्रथम चारि अध्याय रु सात नंबर सूक्त सूत्र पर्यंत ता सूत्रबद्ध छंद सूत्र तेनाली सूत्र लिखाई तेणु प्रथम अध्याय आरंभ कर चतुर्थ अध्याय पर्यंत सप्तम सूत्र चतुर्थ अध्याय सप्तम सूत्र पर्यंत वैदिक छंद मान कथा कहुई। ता बाद चतुर्थ अध्याय अष्टम सूत्र ठार आरंभ कर अष्टम अध्याय शेष पर्यंत लौकिक छंद मान कथा कहुई। तेणु पिंगलकर छंद सूत्र उभय अधा तारा कह वैदिक छंद विषय चर्चा आउ अर्धेक लौकिक छंद मान विषय चर्चा से रही तेरे आमर वैदिक ग्रंथ मानक भितर जो प्रामाणिक छंद शास्त्र विषय ग्रंथ हूँ कात्यायन सर्वानुक्रमणी। हाँ कात्यायन सर्वानुक्रमणी हूँ वैदिक छंद मानक जो परिनिर्दिष्ट ग्रंथ आम कमी जानवा क्या द्वारा जानवा है कात्यायन सर्वानुक्रमणी आउ रूप प्रातिसाख्य। रूप प्रातिसाख्यर शेष तीन टा पटल तार अध्याय को पटल कहुई समय अठर गोटी पटल अच्छी से अठर गोटी पटल षोडश सप्तदश अष्टादश यनिटा अध्याय छंद पटल नाम परिचित छंद पटल। तेणु ये तीन टा अध्याय छंद विषय सविशेष विस्तृत चर्चा करा छंद विषय सब कथा रही तेरे वैदिक छंद मानक जो प्रसंग अच्छी गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा वैदिक आउ लौकिक प्रकृत में एक प्रकार भेद ना कि आम लौकिक छंद जो करें मात्रा उपर गुरुत्व गुरु लघु मात्रा गुरुत्व
मात्रा को लेकिन भी अच्छी वर्ण को लेकिन भी अच्छी जो गण मगण चगण तगण रगण से भी लौकिक छंद जो गण अच्छी उभय प्रकार अच्छी वैदिक छंद मात्रा उपर गुरुत्व दि जाए ना केवल वर्ण मान गुरुत्व दि जाए वैदिक छंद मान कर तो प्रथम एक एक अक्षर आरंभ कर शहे चार अक्षर पर्यंत नहीं कि वैदिक छंद मान प्रकार रही माने एक अक्षर छंद आरंभ कर शहे चार अक्षर पर्यंत छंद वैदिक छंद मान रही तेज छंद मीमांसा बोली एक ग्रंथ अच्छी आम वैदिक छंद मान परिज्ञान निमित्त छंद मीमांसा ग्रंथ युधिष्ठिर मीमांसक द्वारा रचित ये ग्रंथ मध्य वैदिक छंद छंद मान विषय विस्तृत बरणी देता है। मंत्र को सफल भाव में प्रयोग करने आम ऋषि छंद देवता विनियोग एक जानवा नितांत जरूरी तेणु मंत्र मान मंत्र गति मंत्राण पाद सह गति पादरे गति ही था तेणु मंत्र पाद पाद कहले आम जमी गायत्री छंद्र छंदर थी एक मंत्र जमीका अग्नि मिले पुरोहितम एटा गोटे पाद देव अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञ देव मृत्युजम एटा आ गोटे पाद शेष पाद होची हो तारम रत्न खातम एटा आ गोटे पाद गोटे प्रथम पाद सर तो द्वितीय पाद सर तृतीय पाद पादरे मंत्रटा गति करुच बढ़ुची आगक से मंत्रटा छंदायण पाद सो गति ही कहुई पादरे से गति है छंद विषय एक आख्यान अच्छी जोटा कि सायण भाष्य किसी सूचना दे अग्नि सूक्त चर्चा प्रसंगे आउ अ बृह देवतार विषय चर्चा अच्छी निरुक्तकार जास्क निरुक्त आम जो वेदांग तार जास्क छंद मानक निर्वचन सब देखते निर्वचन कह एटिमोलोजी मान अर्थ को दृष्टि रखी शब्दा केमती कह सेटा होची निरुक्त शास्त्र से छंद आम सही निरुक्त छंद छादनाथ अर्थ कर छादनाथ आच्छादन रु छंद क्या आच्छादन करपाई आच्छादन कर प्रश्न निश्चित भाव में मन को आसो तेज से देवता मान मृत्यु भयर आच्छादन जी कर छंद गोटे कहानी अच्छी तो देवासुर संग्राम कथा तो सब कहुई थाए सारायण से भाष्य सूचना देखते जे देवता मान असुर मैंने युद्ध संग्राम गोड़े छंद द्वारा मंत्र आवृत करें रक्षा पाए ये प्रकार गोटे काल्पनिक परिकल्पना ये प्रकार कर तेज देवता मान आच्छादन देवता स्तुति पाइका जहाँ व्यवहार होता है छंद यह तार अंतर्निहित अर्थ ही से जद एभी आत्मान आच्छादयन मृत्यु विभ्यत मृत्यु को डरले काले मृत्यु विभ्यत छंदसह छंदस्तम एमती लाइन अच्छी कमेंटेटर दुर्गाचार्य ये लाइन कही मृत्यु को भय कर देवता मैंने जगह आच्छादित होगा छंद ये प्रकार कथा से गोटे कहुई।